माय लव्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज का मेरा वीडियो एक कंपैरिजन वीडियो होने वाला है और आज के वीडियो में मैं जिन प्रोडक्ट्स का रिव्यू करने वाली हूँ और साथ में कंपैरिजन भी करने वाली हूँ, उसमें से पहला है बायोटिक का बायोफ्रूट टैन रिमूवल पैक। दिस इज बायोटिक बायोफ्रूट वाइटनिंग डी पिगमेंटेशन एंड टैन रिमूवल पैक और ये इस तरह की प्लास्टिक टब पैकेजिंग में आता है, आप देख सकते हैं। इसका प्राइस है ₹199 और इसमें क्वांटिटी आपको मिल जाती है 75 ग्राम। और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है एवरयूथ का टैन रिमूवल स्क्रब। दिस इज एवरयूथ प्योर एंड लाइट टैन रिमूवल स्क्रब फॉर फेस एंड बॉडी एंड दिस कम्स विद द गुडनेस ऑफ चॉकलेट एंड चेरी। इसका प्राइस है ₹99 और इसमें आपको क्वांटिटी मिल जाती है 50 ग्राम और ये इस तरीके की ट्यूब पैकेजिंग में आता है। दोनों ही प्रोडक्ट्स ये क्लेम करते हैं कि ये आपकी स्किन को डिटॉक्सिफाई करेंगे, टैन रिमूव करेंगे और दोनों ही प्रोडक्ट्स काफी अच्छे ब्रांड से बिलोंग करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इन दोनों ही फेस पैक्स के साथ। और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि समर का सीजन चल रहा है और इस वक्त हम लोगों को टैनिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आपको इसमें से कौन सा फेस पैक परचेज करना चाहिए और यूज करना चाहिए, ये सारी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ गाइज। तो वीडियो आप लोगों के लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है गाइज, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, लाइक एंड शेयर बिल्कुल फ्री है। और अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लेके आती रहती हूँ। एंड गाइज, अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोनों ही फेस पैक्स ये क्लेम करते हैं कि दे विल ब्राइटन अप योर स्किन एंड रिमूव योर टैन। बायोटिक बायोफ्रूट फेस पैक के मेन इंग्रेडिएंट्स हैं मुल्तानी मिट्टी, गेरू पाउडर, यशद भस्म, टोमेटो जूस, पाइनएप्पल जूस और इसमें बबूल गोंद भी एडेड है। लाइक अदर बायोटिक प्रोडक्ट्स, दिस इज आयुर्वेदिक रेसिपी एंड इसमें 100% बोटानिकल एक्सट्रैक्ट यूज किए गए हैं एंड दिस इज अ थेरेपेटिक प्रोडक्ट एंड नॉट अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। एवरयूथ टैन रिमूवल फेस पैक के मेन इंग्रेडिएंट्स हैं सेबरी एक्सट्रैक्ट्स, मलबरी एक्सट्रैक्ट्स, एलो एक्सट्रैक्ट्स और इसमें कोको एक्सट्रैक्ट्स भी एडेड है। और इसके अलावा इसमें कुछ इनएक्टिव्स भी हैं जैसे कि पैराबेंस और इसमें कलर भी ऐड किया गया है। बायोटिक बायोफ्रूट फेस पैक रस्टी टेक्सचर में आता है और इसका बेस इंग्रेडिएंट मुल्तानी मिट्टी है। ये फेस पैक बहुत ही इजीली आपकी स्किन में स्प्रेड हो जाता है और इसमें से हल्की हल्की आयुर्वेदिक स्मेल आती है। एवरयूथ टैन रिमूवल स्क्रब का भी बेस जो है वो मुल्तानी मिट्टी ही है, ये भी बहुत इजीली आपकी स्किन में स्प्रेड हो जाता है और इसमें से बहुत ही स्वीट चॉकलेट और चेरी की खुशबू आती है। अब मैं अपने हाफ एंड हाफ फेस पे इन दोनों फेस पैक्स को अप्लाई करने वाली हूँ और मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लेंस कर लिया है और अपने फेस के एक साइड पे मैं बायोटिक का बायोफ्रूट डी पिगमेंटेशन फेस पैक अप्लाई कर रही हूँ और इसको मैं अपनी फिंगर की हेल्प से ही अप्लाई कर रही हूँ। दिस फेस पैक क्लेम्स दैट इट विल वाइटन योर स्किन एंड रिमूव पिगमेंटेशन एंड टैन फ्रॉम योर फेस। अपने फेस के दूसरे हाफ में मैं अप्लाई करूंगी एवरयूथ का टैन रिमूवल पैक और ये जो पैक है ये क्लेम करता है कि इट विल डिटॉक्सिफाई योर स्किन एंड हेल्प्स रिमूविंग टैन और इसके साथ साथ ये भी क्लेम करता है कि इट विल ब्राइटन अप योर कॉम्प्लेक्शन। दोनों ही फेस पैक्स को मैं 10 टू 15 मिनट तक अपने फेस पे रखने वाली हूँ और उसके बाद मैं अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लूंगी। पैक ड्राई हो चुका है और मैंने इसे नॉर्मल वाटर से वॉश भी कर लिया है और मैंने अपने फेस को एक क्लीन टॉवल से टैप भी कर लिया है। एंड गाइज, मेरे फेस के दोनों साइड जो है वो इस वक्त काफी क्लीन लग रहे हैं और काफी फ्रेश भी लग रहे हैं। तो गाइज, अब बात करते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इन दोनों ही फेस पैक्स के साथ। तो बायोटिक का बायोफ्रूट डी पिगमेंटेशन फेस पैक मैं काफी लंबे टाइम से यूज कर रही हूँ और एवरयूथ का जो फेस पैक है उसे मैंने अभी कुछ महीनों पहले ही इस्तेमाल करना शुरू किया है, क्योंकि बायोटिक एक आयुर्वेदिक ब्रांड है और इनके प्रोडक्ट्स में जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं वो सभी नेचुरल होते हैं और ये लोग हार्श केमिकल्स अपने प्रोडक्ट्स में यूज नहीं करते हैं। ये पर्सनली मुझे इसका बायोफ्रूट डी पिगमेंटेशन फेस पैक जो है वो बहुत ही ज्यादा पसंद है और सबसे खास बात की ये जो फेस पैक है ये काफी अफोर्डेबल है, काफी लंबे टाइम तक चलता है, बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी आपको यूज करनी होती है और ये आपके फेस को ब्राइटन अप तो नहीं करती है लेकिन आपके फेस को क्लियर जरूर कर देता है और आपके फेस के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। और जहां तक बात रही एवरयूथ के टैन रिमूवल फेस पैक की, तो ये आपके फेस को क्लीन तो कर देता है लेकिन जहां तक टैन रिमूवल की बात है वहां पर ये इतना ज्यादा असरदार साबित नहीं होता है। सो गाइज, दिस वॉज माई टूडेज रिव्यू एंड कम्पेरिजन वीडियो एंड आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल साबित होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या सोच रहे हैं, कर ले, मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आती रहती हूँ गाइज। एंड अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो वहाँ पे भी मुझसे पूछ सकते हैं और मैं वहाँ पे पोस्ट करती हूँ बहुत सारा इंटरेक्टिव कंटेंट भी, तो आप उसका मजा भी ले सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड Be beautifully best.